बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट लिपिड्स फॉर क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। वी वांट टू अंडरस्टैंड द लिपिड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स इन विच वी कंसीडर द फर्स्ट क्लास ट्राइग्लिसराइड्स। नाउ फर्स्ट वी डिफाइन द लिपिड्स, दैट इज it can be defined as heterogeneous group of organic compounds which are soluble in water but insoluble in inorganic solvents such as acetone, alcohol, etc. These lipid compounds contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus, as the carbohydrate also contain the carbon, hydrogen and oxygen. But as compared to the lipids contain less amount of oxygen as compared to the carbohydrates and protein. For example, we consider the tristerine is a simple lipid. We show the molecular formula as C57H110O6. This shows that it contains high ratio of carbon and hydrogen and less ratio of oxygen. When it contains the high content of carbon and hydrogen, which is responsible that it has high amount of energy than the carbohydrate. So this is the reason that it contains high amount of energy as compared to carbohydrate. Agar ye sawal aa jata hai ki high content hone ki wajah se आपके पास जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स में जो हैं वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। अगर अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के वेरियस ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जिसमें इनको हमने डिवाइड किया हुआ ट्राइग्लिसराइड्स में, फॉस्फोलिपिड्स, वैक्सीज, स्टेरॉइड्स एंड टर्पेनॉइड्स में। सो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ट्राइग्लिसराइड्स व्हिच इज आल्सो नोन एज एसाइल ग्लिसराइड्स। इन लिपिड्स में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टरफिकेशन। क्या होता है, हमारे पास एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल मौजूद होता है और एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल मौजूद है, जिसके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टरफिकेशन। जो आपके पास कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो आपके पास बॉन्ड बन रहा है इसको हम जो बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, या कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड, और ये आपके पास जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम बोलेंगे एस्टर बॉन्ड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरफिकेशन। सो इन लिपिड्स द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम इज कॉल्ड एस्टर, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस कॉल्ड एस्टरफिकेशन। और इसमें हमारे पास फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं और अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है, जिसके दरमियान जो है बॉन्डिंग होती है और लिपिड्स बनते हैं, जिसे हम एस्टरफिकेशन कहेंगे। और आज जो हमने टाइप पढ़नी है उसे हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, या कॉमनली नोन एज एसाइल ग्लिसराइड्स। दे आर कम्पोज ऑफ टू पार्ट्स, कम्पोज ऑफ टू पार्ट्स कौन से हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल का जो हमारे पास, ये जो ग्लिसरॉल है ये हमारे पास इसका ये एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है, और फैटी एसिड्स के हमारे पास थ्री मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये एक फैटी एसिड है, ये सेकंड फैटी एसिड है, और ये थर्ड फैटी एसिड है। ये आर आपको उनकी चेन्स के बारे में बता रहा है कि ये चेन्स डिफरेंट हो सकती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, और इसकी चेन इसे कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी डिफरेंट हो सकती है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ चेनें इधर प्रेजेंट हो सकती हैं, और यहाँ पर ये किसके साथ ये अटैच होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच हुई होती हैं। और आपके पास इस तरह आपके पास जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स आपके पास थ्री मौजूद हैं, ये आपके पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो ये दीज आर थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज़ द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इन विच द बॉन्ड बिटवीन दैम दैट इज़ द एस्टर लिंकेज। ये क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोक्सोलाइन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोक्सोलाइन, और यहाँ से हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे और वाटर को रिलीज़ कर देंगे। वाटर को रिलीज़ होने के बाद जो आपके पास कार्बन ऑक्सीजन और सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड बना है, ये जो आपके पास बॉन्ड बना है इसे हम एस्टर बॉन्ड कहेंगे।
और जो आपके पास ज़ाहिर बात है तीन फैटी एसिड्स की चेनें अटैच्ड होगी एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ट्राई ग्लिसरॉल या न्यूट्रल लिपिड्स भी बोलते हैं, या इसको हम असाइल ग्लिसरॉल भी बोलेंगे। सो दिस इज अबाउट द ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अब हम इसकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, फैटी एसिड्स की कितनी टाइप्स प्रेजेंट हैं इन चेन्स की। जारी बात है अभी हमने पहले बात की है, ये जो चेन्स हैं ये डिफरेंट होती हैं, दैट्स वाई इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपके पास जो कितने जो हैं मुख्तलिफ किस्मों के लिपिड्स बनते हैं। और हमारे पास दो तरह की लिपिड्स बन सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी मौजूद है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी मौजूद हैं। तो आप देखते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंपैरिजन देखते हैं कि कैसा है। अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो हमारे पास डबल बॉन्ड जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड में प्रेजेंट नहीं होता, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में वन या मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जारी बात है सैचुरेटेड है तो इधर क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, मोर होंगे, इधर लेस होंगे। स्टेट की बात करें कि स्टेट पे ये एग्जिस्ट कर रही होती है रूम टेम्परेचर पे, तो आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो सॉलिड जो है वो स्टेट पे जो है रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट होती है, और आपके पास जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो लिक्विड स्टेट पे प्रेजेंट होगी। और ये अगर स्टोरेज की बात की जाए कि तो आपके पास जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो एनिमल्स में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, आपने ये बाजार में इन द फॉर्म ऑफ फैट्स या एनिमल में स्टोर होगी सैचुरेटेड फैटी एसिड। और आपके पास जो प्लांट्स में है वो कौन सी स्टोर है, प्लांट सीड्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्टोर हैं और ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टोर होती है, जो ऑयल है जिसे हम ऑयल बोलते हैं। तो ये ऑयल्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर स्टोर होते हैं, प्लांट सीड्स के अंदर प्रेजेंट है, और जो फैट्स है जो चर्बी है वो एनिमल्स के अंदर स्टोर होती है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और जो आपके पास ऑयल्स आ रहे हैं प्लांट्स के अंदर जो सीड्स से हम ऑयल्स निकालते हैं तो वो ऑयल फॉर्म में होता है, तो वो आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो पाल्मेटिक एसिड है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये 16 कार्बन से मुराद ये है कि इसकी जो लॉन्ग चेन बन रही है वो कितनी है, 16 कार्बन तक है, और यहाँ पे जो आर चेन बन रही है वो कितने तक है, 18 कार्बन तक है। और फंक्शनल ग्रुप इधर कौन सा प्रेजेंट होता है फैटी एसिड में, सी डबल बॉन्ड आपने याद रखना, डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, ये आपके पास क्या होता है कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला, या आप इसको यूं बंद अगर हम इसको लिखें तो हम लिखते हैं COOH। आगे हम फर्दर देखते हैं, ये आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स दी भी हैं, कोकोनट ऑयल, बटर फैट, मोस्ट फैट्स एंड ऑयल में ये देखें ये फार्मूला है। तो अगर आप ये देखेंगे ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, और ये चेन को शो करें कि ये देखें आपके पास जो ये एक कार्बन तो ये क्या वन, ये आप देखें टू, ये सी एच की टू जो लिखा हुआ है आपके पास ये 10 है, तो इसका मतलब है 10 और 1 11, और ये 1 ये कार्बन, तो ये कितने हो गए 11 और +1 12। तो आपके पास ये जो चेन बन रही है या पूरा कंपाउंड जो बन रहा है कितने कार्बन का बन रहा है, 12 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। इसी तरह अगर हम ये देखते हैं बटर की बात करें, बटर फैट की, तो ये देखें फंक्शनल ग्रुप का एक कार्बन 1, और ये CH2 की जो चेन है वो कितनी है 12, तो 12 + 1 13, और ये CH3 ये एक है तो 13 और 1 14, तो ये आपके पास 14 कार्बन कंपाउंड बन रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं बटर फैट। तो जैसे जैसे चेन ज़्यादा होती जा रही है वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। इसी तरह अगर ये फर्दर ऑन ये देखें फिर 16 आ जाएगी, फिर 18, इधर 18 की चेन बनेगी, और इधर कोई भी डबल बॉन्ड कोई भी मौजूद नहीं है। डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होने की वजह से क्या है, यहाँ पे आपके पास ये सारी क्या है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। तो ये तो आ गया किसके बारे में, आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। अगर मैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करूँ तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो ओलिक एसिड है, ये ओलिक फैटी एसिड है जो ओलिव ऑयल्स में मौजूद है, इधर कार्बन नंबर ये देखें कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 7, मतलब ये CH2 7 मौजूद है, मतलब CH2 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 एंड CH2, मतलब 7 टाइम्स CH2 मौजूद है। तो ये 7 और ये 1 8, ये पोजीशन
एट के, ये तो एट हो के यहाँ तक, ये नाइन, तो कार्बन नंबर नाइन पे आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है। ये कौन सा कार्बन है बेटा, ये बात आपने क्या रखनी है स्टूडेंट्स के, यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन बनी है, कार्बन नाइन पे डबल बॉन्ड मौजूद है ओलिक एसिड में, ऑलिव ऑयल में, तो इस वजह से ये क्या है ऑयल फॉर्म में एग्जिस्ट, मतलब लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपके पास सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसी तरह अगर 18 ही है लिनोलिक एसिड भी, उसका भी कितने कार्बन कंपाउंड्स है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने 18 ही है, और इसमें कौन कौन से पोजिशन पे मौजूद है, एक आपका पोजिशन नंबर 9, ये देखें 1 और 7, 8 और ये एक 9, फिर ये क्या हो जाएगा 10, 11, 12, 9 और 12 पोजिशन पे क्या है दो डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, एक 9 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, एक आपके पास 12 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, और उसको हम क्या बोलते हैं जो वेजिटेबल ऑयल्स में आपके पास जो हैं दो डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, ये बात आपने जानी रखनी है। फिर आपके पास जो अगली एग्जांपल है वो भी कार्बन 18 ही की है, लेकिन इधर क्या है ये सोयाबीन्स और कनोरा ऑयल्स जो प्रेजेंट है इसके अंदर लिनोलेनिक एसिड मौजूद है, लेकिन इसमें 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद है, 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ये जो अब कौन कौन सी पोजीशन पे है, अब ये हम देख लेते हैं, एक तो पोजीशन होगी आपकी, ये देख रहे हैं सी एच की 2 इन्होंने दिए ना, ये तो 1 पोजीशन पे हो गया, ये 1 है और 7 ये लगे 8 9, एक पोजीशन 9 पे मौजूद है, एक पे ये 10 11 12 पे मौजूद है, 12 के बाद 13 14 15 पे मौजूद है, और अगर हम आगे गिने तो 16 17 18 आ गया पूरे हो गए। तो इधर आपके पास क्या 9 पोजीशन 12 पोजीशन और 15 पोजीशन पे आपके पास जो है 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद है, मतलब आपके पास एक 9 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, एक 12 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है और एक 15 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, जो और ये भी क्या सी 18 कंपाउंड है, मतलब 18 कार्बन वाला कंपाउंड है, और इसी से आपने क्या बोला है लिनोलिक एसिड बोला है, और इसी तरह ये फर्दर आपके पास जो है आर्कोनाइड एसिड मौजूद है। तो ये तो था किसके बारे में लिपिड्स के बारे में कि फैटी एसिड्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो इन फैटी एसिड्स की जब चेंज के साथ ये अटैच्ड होते हैं ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं, तो आपके पास डिफरेंट आपके पास लिपिड्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं, और जो आपने ये बात याद रखनी है कि ग्लिसरॉल के साथ जब 3 फैटी एसिड्स कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो न्यूट्रल लिपिड बनेगा उसे हम ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बोलेंगे या असाइल ग्लिसरॉल कहेंगे। अब हम फैट्स एंड ऑयल के दरमियान जो है वो कंपैरिजन देख लेते हैं कि इनके क्या फीचर्स हैं। अगर हम ऑयल और फैट्स के फीचर की बात करें तो स्टेट सबसे पहले जो है ऑयल जो है वो लिक्विड स्टेट में है, फैट हमारे पास सॉलिड स्टेट में है। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो है वो ऑयल्स का लो होता है, और अब क्यों लो होता है, बिकॉज दे हैव द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब डबल बॉन्ड्स मौजूद है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, दैट्स व्हाई इनका क्या है, आपको पता है कि जो कोवलेंट में जो फर्स्ट बॉन्ड होता है जो वो स्टेबल होता है उसको तोड़ना मुश्किल होता है, फिर इसके बाद ये बॉइलिंग उसका जो डबल बॉन्ड का जो जिस तरह से बॉन्डिंग ये डबल बॉन्ड मौजूद है जो उसका सेकंड बॉन्ड है वो पहले ब्रेक हो जाएगा फिर उसके बाद दूसरा ब्रेक होगा, तो वो जो पहले जो ब्रेक हो रहा है वो जल्दी हो जाता है, दैट्स वाई इसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट क्या है लो एज कम्पेयर टू फैट्स। फैटी एसिड्स की बात करें तो मोस्टली ये क्या होते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और इधर क्या होते हैं मोस्टली सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। एग्जाम्पल इसमें क्या है कि ओलिक एसिड की ऑयल की के इसके आपको हमने डिस्कस किया कि अभी पहले हमने ये स्लाइड में डिस्कस किया है कि आपके पास सी 18 कंपाउंड है जिसमें सी 9 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, और जो स्टेरिक एसिड है स्टेरिक एसिड भी सी 18 ही कंपाउंड है बट दे हैव नो डबल बॉन्ड, जिसके पास कंपाउंड तो सी 18 ही है, दोनों में कार्बन एटम्स बराबर हैं लेकिन एक के अंदर क्या है सी 9 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो एमसीक्यूज आ जाता है कि अगर आपके पास ओलिक एसिड है तो उस पर कौन सी कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो आपको वो कार्बन नंबर दे देंगे C7, C6, C8, C9, तो करेक्ट ऑप्शन है C9। और अगर आपसे वो स्टेरिक एसिड का पूछ लें कि कोई डबल बॉन्ड मौजूद है और ऑप्शन दे दे साथ, वो फिर ये भी पूछेंगे देंगे कि नन ऑफ दिस, तो आपने ये बात याद रखनी है कि स्टेरिक एसिड में कोई डबल बॉन्ड
मौजूद नहीं होता, और इधर डबल बॉन्ड मौजूद होता है, और कौन सी पोजीशन पे मौजूद होता है, C9 पोजीशन पे मौजूद होता है। तो ये तो था लिपिड्स के बारे में, और उसमें आज जो हमने क्लास डिस्कस की है, ये हमने जो फर्स्ट क्लास पढ़ी है वो थी हमारी ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास न्यूट्रल लिपिड्स कैसे बनते हैं, और उनकी जो डिफरेंट चेन्स हैं जिसकी वजह से जो फैटी एसिड्स मौजूद हैं उनमें, हमने देखा कि कुछ हमारे पास ऐसे फैटी एसिड्स मौजूद हैं जो सैचुरेटेड हैं, और कुछ हमारे पास फैटी एसिड ऐसे हैं जो अनसैचुरेटेड हैं, और जिसकी वजह से आपके पास जो है मुख्तलिफ जो है वो लिपिड्स की फॉर्म आ रही हैं, मुख्तलिफ आयल्स और फैट्स फॉर्म करेंगे। तो ये तो था आज का हमारा लिपिड्स के में फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जिस फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी है ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम इसकी फर्दर क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।